हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सीखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले होता क्या है ये जरा देख ले, जान ले। सो ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे अगर समझो कि मैंने कोई गुड्स खरीदा और उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस, या तो समझो कि मैंने मैन्युफैक्चर किया, ओके, आई एम मेकिंग माय ओन गुड्स, तो मेरी फैक्ट्री में मैं अपना गुड्स बनाता हूं, तो उससे सारे रिलेटेड खर्चे ये बनाने के बाद अगर मैं बेचता हूं, बट मैं उसमें जो बेचने के लिए जो सारे एक्सपेंस है मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो मुझे मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिजल्ट मिलता है कि मैंने गुड्स बनाया और मैंने गुड्स बेचा। तो जब मैंने गुड्स बेचा तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलने वाला है। सो पहले हम लोग समझ लें कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे आपको लिखना है। ये पूरा प्रोफॉर्मा है, मैंने ग्रुप करके इसे याद करने के लिए इजी बनाया है और आप इसे इजीली याद कर सको, इस तरह से इसे सेट किया है। यहां पे हम लोग एक एक चीजें समझेंगे कि इसमें क्या होता है, एक एक बातें। आपको जरूरत से बहुत ज्यादा फॉर्मेट बड़ा लंबा लगेगा, अरे सम में तो इतना बड़ा होता ही नहीं है तो ये इतना बड़ा क्यों, पर सम पूछ के नहीं आने वाला है कि कौन से आइटम्स आएंगे और कौन से नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। सो आपको इजीली पता चलेगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में समझ नहीं पाते कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स लेने की कोशिश की है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक के बाद एक एक आइटम क्या होती है। सो फर्स्ट है डेबिट साइड पे, आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स व्हाट? ओपनिंग स्टॉक मीन्स The closing stock of last year, मतलब last year जो मेरा goods बच गया वो मेरा इस साल का opening stock। Generally हम लोग year की शुरुआत 1st April से करते हैं और year का end 31st March से, so ये हम लोग year ended कर रहे हैं। So यहाँ पे जैसे एक साल का closing stock वही अगले साल का, इस साल का closing stock अगले साल के लिए क्या बनेगा, next year के लिए opening stock। Then we will see the purchase जो भी आपने गुड्स खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, फिर वहां पे हम लोग लेस परचेज रिटर्न, या तो उसी का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ओके, सो वो हमें माइनस करना है, इससे आपको क्या मिलेगा, नेट परचेज। ये माइनस जो आपको करना है ये आपको इनर कॉलम में बताना है और आउटर कॉलम में उसका टोटल जाएगा, इसलिए हम दो कॉलम बनाते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे, इनर कॉलम, और इसे बोलेंगे आउटर कॉलम। Then you can see wages and salaries, productive wages, manufacturing wages, works manager salary. ये सारे हमने grouping करके रखा है, जैसे आपको wages से related कोई भी बातें आए तो किस तरह से वो लोग exam में आपको board में पूछा जा सकता है। So जैसे first है wages given to workers, तो जो भी हमें workers को payment करना होता है हम उसे क्या बोलते हैं, wages and salaries। सैलरीज, ओके, यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि वेजेस बहुत ज्यादा है और सैलरीज नेग्लिजिबल है, मतलब एकदम मामूली है, तब हमें वेजेस एंड सैलरीज, और जब भी आपको वेजेस पहले हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लेना है। ओके, सो वेजेस एंड सैलरीज में, और यही अगर सैलरीज एंड वेजेस हो तो आपको इसे कहां पे लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। देन प्रोडक्टिव वेजेस जो आपके प्रोडक्शन में काम में आने वाला, वही सेम बात है, सिर्फ हमें एक डिफरेंट वे से बोलते हैं इसलिए हमने इसे कवर किया है। देन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वन एंड द सेम थिंग। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी, प्लीज रिमेंबर वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब क्या, तो वर्क्स मतलब फैक्ट्री के मैनेजर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, भले यहां पर सैलरी वर्ड है लेकिन हम जब फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो ये हमने सारा वेजेस और सैलरीज का पार्ट इनडायरेक्ट वे से हमने कवर कर दिया, बट प्लीज रिमेंबर वेजेस एंड सैलरीज इसमें नेग्लिजिबल होती है, बहुत मामूली होती है। प्रोडक्टिव वेजेस जो आपके प्रोडक्शन में काम में आने वाली, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वही है जो भी वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, तो आप वेजेस बोलो, प्रोडक्टिव वेजेस बोलो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलो, सब बातें एक ही है। और वर्क्स मैनेजर सैलरी जो हम लोग फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी पे करते हैं हम उसे बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। सो अप टिल हियर यू कैन रिमेंबर
हमने जो पार्ट्स किए हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, लेस परचेस रिटर्न, तो यहां पे आपकी तीन चीजें हुई, आप इसे याद रख सकते हो। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, और जैसे आप इसे माइनस करोगे आपको नेट परचेस मिलता है, ये है नेट परचेस। इसे हम लोग ग्रॉस परचेस बोलते हैं, लेकिन जब परचेस रिटर्न माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, नेट परचेस। सो इन एग्जाम इफ इट इज गिवन परचेस रिटर्न, तो आपको ये परचेस इनर कॉलम में लिखना है, ध्यान में रहे। उस वक्त पे आपको जगह भी छोड़नी है ताकि परचेस रिटर्न भी आप लिख सको और अमाउंट को माइनस कर सको। अकाउंट्स में एक चीज खास ध्यान में रखे, सिस्टम, ओके, जगह का एडजस्टमेंट बहुत ध्यान में रखे। नाउ फैक्ट्री रेंट, अभी हम थोड़ा आगे बढ़े, तो फैक्ट्री रेंट, सो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस, सो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, सो वी हैव मेड वन अनदर ग्रुप फॉर दिस, कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तीनों चीजें इसमें आ गई। सो कोई भी रिलेटेड एक्सपेंस हो फैक्ट्री से, तो आप कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। देन दिस इज अवर फर्स्ट पेज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। आप अपनी बुक में इसे अच्छे से लिख लोगे, ये आपका डेबिट साइड है, आप इसे दो पेज में भी लिख सकते हो, ज्यादा डबल पेज लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वन साइड यू राइट द डेबिट, ओके, वन पेज, ओके, सो योर लेफ्ट पेज विल बी योर डेबिट साइड एंड योर राइट पेज विल बी योर क्रेडिट साइड। देन सो फर्स्ट हम लोग पहले डेबिट साइड कंप्लीट करेंगे, अगर आपका पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आप दूसरा पेज यूज करें। सो यहाँ पे टू कैरेज, देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेस। सो कैरेज मीन्स वॉट, वेन यू ब्रिंग द गुड्स बाय रोड, तो वी कॉल इट एज कैरेज। तो ये हमने सारे, अगर एग्जाम में आपको कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेस, इस तरह से कोई भी दिया जाए, आप इसे एक ही समझोगे, और आप कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हमने ज्यादा से ज्यादा तीनों चीजें कवर करने की कोशिश की है, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। देन फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट ऑन परचेस। What is the meaning of freight? When you bring the goods through railway or by plane, then we will use it as a word freight. So, जो भी अगर goods by plane या तो by railway लाने से जो भी आपका खर्चा हो रहा है goods लाने का, हम उसे क्या बोलेंगे, freight, या तो freight inward और या तो फिर freight on purchase. Now, this is what you are related to carriage and freight. So, goods लाने का खर्चा। Now we will go for the dock charges. Say suppose you bring the goods by ship, then you have to pay dock charges. So, अब आपको यहाँ पे फिर dock charges pay करना पड़ेगा. Then you have seen the custom duty and import duty. This is one and the same thing. Okay, जब भी हम बाहर से goods मंगवाते हैं other countries से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Custom duty या तो import duty pay करना पड़ेगा. Now अब हम थोड़ा गुड्स जो बनाने का खर्चा है, प्रोसेसिंग चार्जेस है, उसमें लगने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मोटिव पावर, ओके, मोटिव पावर क्या है? तो जैसे पावर हम यूज करते हैं फैक्ट्री में और ऑफिस में भी, लेकिन जो फैक्ट्री में यूज करते हैं हम उसे क्या बोलेंगे, मोटिव पावर, क्योंकि ये प्रोसेसिंग मतलब गुड्स के प्रोडक्शन में काम आने वाली पावर है ये। देन यू कैन यूज इट डिफरेंट ऑल्सो, पावर, फ्यूल एंड ऑयल। जैसे फ्यूल एंड ऑयल, ओके, जो आपको यूज होता है फैक्ट्री में, प्रोसेसिंग में, सो प्रोडक्शन करते वक्त आपको ये चीजें यूज होगी। देन कॉल गैस एंड वाटर, प्रोसेसिंग चार्जेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोसेस, ओके, एंड प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। सो ये है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। सो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मतलब जो मेन पैकिंग चार्जेस होंगे, जो हम लोग आउटर पैकिंग करते हैं, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन जब आप प्राइमरी पैकिंग चार्जेस करते हो तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन परचेस और ऑन प्रोडक्शन, जब भी हम गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए राइट्स लेते हैं, ओके, तो हमें उसे क्या पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी। So, somebody has invented these goods and we have to produce it. So, for that purpose, we have to pay the royalty.
सो आप अगर रॉयल्टी बोलो या रॉयल्टी ऑन परचेस या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, बात एक ही है. ओके, देन डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ही थे जो आपके परचेस से रिलेटेड है. बट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है कि कभी कोई आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है. ओके, देन ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है? जैसे मामूली खर्चे है, परचूनी खर्चे जिसे हम लोग छोटे मोटे खर्चे बोलते हैं. सो ट्रेड एक्सपेंस में खास ध्यान रहे कि अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ अगर आपको मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस ये या सेंडरी एक्सपेंस दिया हो तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लेकिन अगर ओनली ट्रेड एक्सपेंस दिया हो तो आपका ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो प्लीज रिमेंबर, ये ट्रेड एक्सपेंस दो जगह पे आपको दिख सकता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे भी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे भी. तो ऐसे में आपको करना क्या है? So, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ ट्रायल बैलेंस में क्या मुझे जनरल एक्सपेंस, सेंडरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस ऐसे कोई आइटम दी है क्या. यदि हाँ तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और यदि ना तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसके बाद आ रहा है अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. सो जब आपके इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी डेबिट साइड से तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. और ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ वी विल सी अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. जरा ध्यान से यहां पे आपको क्या क्या याद रखना था थोड़ा सा देख ले. ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओके, देन परचेस रिलेटेड एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस. वैसे ही अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो गुड्स, या तो गुड्स लाने का खर्चा या तो गुड्स बनाने का खर्चा. तो गुड्स यहां पे हम लोग अगर बोले तो शॉर्ट में गुड्स आएगा और यहां से गुड्स जाएगा. तो अभी हम लोग क्रेडिट साइड पे आते हैं. क्रेडिट साइड पे देखें तो पहला तो सेल्स. एवरी बिजनेस एक्टिविटी वांट्स अ सेल्स. जैसे आप परचेस करते हो तो आप सेल्स भी चाहोगे कि मेरा गुड्स बिक जाए. लेकिन हमें यहाँ पे नेट सेल्स चाहिए. हो सकता है कोई आपको रिटर्न भी करे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ट जो उसी का दूसरा नाम है वो हमें क्या करना है? लेस. सो आपको क्या मिलेगा? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न आपको मिलेगा नेट सेल्स. यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है जब भी सेल्स आए आप चेक करो कि सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना, ताकि आपको इनर कॉलम में लिखना है फिगर या आउटर कॉलम में लिखना है ये आपको पता चले. देन यहां पे और भी कुछ तरीके हैं, जैसे गुड्स ना चाहते हुए भी गुड्स का लॉस होना हो सकता है कि वो हो जाए गुड्स लॉस्ट. सो एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते हैं. बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जैसे आग लग गई और गुड्स जल गया. दूसरा बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए. देन गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया और गुड्स का लॉस हो गया. देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल्स ताकि लोग हमारे गुड्स को देखें और हमारे गुड्स को फ्यूचर में खरीदे. सो ये भी हमारा गुड्स तो गया. सो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है. देन गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, जैसे सोल ट्रेडर में हम लिखते थे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, वैसे यहां पे लिखेंगे गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. यदि अगर पार्टनर खुद से गुड्स लेके जाए अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम इसे क्या कहेंगे? गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. और ये कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. Then goods lost by vitamins. Goods lost by vitamins. So vitamins क्या होता है? जैसे दीमक, हिंदी में हमें इसे क्या कहते हैं? दीमक. So जो goods को अंदर से खोखला कर देता है. So यहां पे goods lost by vitamins. Goods यहां पे भी आपका lost ही हो रहा है. So बहुत सारे तरीके हैं okay, goods के lost होने के, और कुछ
गुड्स हम खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप लोग इसे इजीली याद रख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद आएगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, जो ईयर के एंड में मेरे पास गुड्स बच गया उसे मैं क्या कहूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। देन मेरा आएगा ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिले और ग्रॉस लॉस भी मिले, पर एक फॉर्मेट के हिसाब से हमने कवर कर लिया है। ये आपका ग्रॉस लॉस कैसे हो सकता है, यदि आपके एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, देन ग्रॉस लॉस आएगा। ये ग्रॉस लॉस कहां पे जाएगा, ये होता है ट्रांसफर, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके क्रेडिट साइड, वैसे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट साइड में ये ट्रांसफर होगा। ओके सो ग्रॉस लॉस अगर जनरेट हुआ तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों भी पॉसिबल नहीं है। आप जब टोटल लोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर है, जब डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। ओके उसी का रिवर्स अगर हम लोग करें, क्रेडिट साइड का टोटल यदि ज्यादा हो और डेबिट साइड का कम हो तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। मैंने एक पेज यहां पे डबल पेज आप समझ सकते हो, ये वन पेज हुआ, ये आपके डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, वैसा ही आपका सेकंड पेज है। क्रेडिट साइड में आइटम कम होने के कारण यहां पे कुछ आपको दिखेगा नहीं, पर आपको ये पूरा फॉर्मेट लिख लेना है, आप अपने हिसाब से इसे याद करने की कोशिश करोगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको क्या देता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिजल्ट देता है कि आपने जब गुड्स खरीदा और गुड्स खरीदने से रिलेटेड सारे एक्सपेंस, या आपने गुड्स बनाया तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, और जो भी आपका गुड्स गया, सेल्स हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई उसमें जो भी नेट बचा, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस देगा। सो ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिजल्ट देता है। सो आपने कितने अच्छे से बिजनेस किया है वो आपको इससे पता चलता है कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी अच्छी रही। एक बार और फास्ट रिकैप में ले रहे हैं, कैसे आप इसे याद रखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, दिस इज योर डेबिट साइड। माइंड यू पेपर में इतने ज्यादा आइटम्स नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है ताकि आप बायफोकेट कर सको इजीली कि ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, लेस परचेस रिटर्न, एक ग्रुपिंग हुआ। देन दूसरा ग्रुप है वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी। वर्क्स मैनेजर्स, प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। ये किसकी सैलरी है, फैक्ट्री के मैनेजर की, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ। देन फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस और या तो एनी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। नाउ अगेन हियर कैरेज, कैरेज इन वर्ड, कैरेज ऑन परचेस, गुड्स लाने का खर्चा बट बाय रोड। देन गुड्स अगेन फ्रेट, फ्रेट इन वर्ड, फ्रेट ऑन परचेस, ये भी गुड्स लाने का ही खर्चा है बट बाय रेलवे और बाय प्लेन, That is by airways. So, यदि आप अगर railways या airways से लाओ तो हम इसे क्या कहते हैं, freight, या तो freight inward या तो freight on purchase. So, whenever you purchase the goods and it brought by railway or by airways, we call it as a freight. Okay, freight, freight inward or freight on purchase. These are all one and the same. These are all one and the same. Carriage, carriage inward, carriage on purchase. Then dock charges. जो हम बाय शिप अगर गुड्स लाएंगे तो जो डॉक पे हमारा गुड्स लगेगा उसे हमें डॉक चार्जेस उतारना पड़ेगा और वहां पे हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे शिपिंग अथॉरिटी को। देन कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी व्हेनेवर ये गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, सो वी हैव टू पे कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, सो दिस इज व्हाट वी आर पेइंग टू द कस्टम डिपार्टमेंट। देन फैक्ट्री के अंदर के प्रोसेस में जो एक्सपेंस होने वाले हैं, जैसे पावर है, मैंने पहले बताया पावर किस लिए, मोटिव पावर क्या होता है, तो जो फैक्ट्री में यूज होता है हम इसे मोटिव पावर कहते हैं, और जो ऑफिस में यूज होगा वो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड
and motive power, or you can say the power which is used for factory production purpose, we show it on the trading account debit side. So here on the trading account debit side mein liya hai. Then coal, gas and water, these are all used for the production purpose. Then processing charges, any kind of processing charges which are used by factory. Okay, so we are using in a factory. Then lighting and heating, this is also factory process. Okay, then primary packing charges. So हमें कोई भी अगर किसी भी तरह का basic packing करते हैं तो हमें इसे क्या कहना है, primary packing charges, और ये कहाँ पे आएगा, trading account debit side. Then royalty, royalty on purchase or production. Whenever we use the goods invented by someone else, we are taking the rights. हम उसके पास से rights लेते हैं और हम खुद produce करना चाहते हैं तो हमें उसे royalty देनी पड़ेगी. तो हम इसे क्या कहेंगे, royalty, royalty on purchase or royalty on production. Then direct expense, any kind of expense, these are all direct expense only. But if suppose it is given separately as a direct expense, then you have to show it on the trading account debit side. So any expense related to the trading activity is known as direct expense. Then once again I want to explain you this. So trade expense, trade expense. So suppose यदि आपको trade expense कैसे याद रखना है कि ये कहां पे जाएगा, क्योंकि trade expense दोनों जगह पे जा सकता है, either at trading account और एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दोनों में डेबिट साइड में जाएगा. लेकिन ट्रेड एक्सपेंस कब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, तो आपको पहले चेक करना है. जैसे ही आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग ट्रेड एक्सपेंस दिखाई दे, तो आप क्या अदर आइटम्स में आपको फाइंड आउट करना है ट्रायल बैलेंस में कि क्या मुझे सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस दिया है. यदि हाँ तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और यदि ऐसे कोई एक्सपेंस ना दिए हो तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन यू आर गेटिंग योर ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. अब हम लोग क्रेडिट साइड देखेंगे. क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, तो जैसे यहां से गुड्स आया तो यहां से गुड्स जाएगा. तो जाने के तरीके क्या, तो नॉर्मली जो हमारी मेन एक्टिविटी है सेल्स, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए कोई भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड आपको क्या मिलेगा, नेट सेल्स. बाद में ये सारे आपके लॉस्ट होने के तरीके गुड्स के, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और गुड्स स्टोलन, देन गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय वाइट एंड्स. वाइट एंड्स मीन्स दिमाग, जो अंदर से प्रोडक्ट को पूरा खोखला कर देता है. देन यदि आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ फ्री सैंपल, और या तो पार्टनर खुद अगर गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो हम इसे कहां पे शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. देन जैसे ओपनिंग स्टॉक यहां पे था, वैसे यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मींस द स्टॉक लाइंग इन माय गोडाउन एट द एंड ऑफ द ईयर. देन ग्रॉस लॉस, यहां पे हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा. यदि आपके डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा रहा तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस. ओके, सो ये रहा आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. ओके, सो आप एक के बाद एक एक सारे आइटम्स को समझ के इसको याद करने की कोशिश करें. आगे अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे.